कंसल्टेंट उमंग हॉस्पिटल हड़पसर पुणे से। मेरे जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स है, रेगुलर व्यूवर्स है, उनके लिए आज बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जो कि मेरे प्रेग्नेंट मॉमीज को काफ़ी परेशान करके छोड़ता है। कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड पेशेंट काफ़ी पेन बोलते हैं बिलो द ब्रेस्ट, जिसको रिप पेन बोलते हैं हम लोग, तो ये प्रेगनेंसी में क्यों होता है, कब से स्टार्ट होता है और इसके लिए क्या सोल्यूशन है, ये आज हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये रिप पेन कब से स्टार्ट होता है, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड ये रिप पेन स्टार्ट होता है, जब आपके बच्चे का साइज काफ़ी रैपिडली ग्रो होना स्टार्ट होता है। अभी ये रिप पेन जो है ये क्यों होता है, देखो बेसिकली अपने पास टोटल 12 रिब्स है, जिसमें अपने लंग्स रहते हैं, आप उसको रिब केज या फेफड़े बोलते हैं। तो उसमें से जो नीचे के दो रिब्स हैं वो ऐसे फ्लोटिंग रिब्स रहते हैं, बाकी के ऊपर के अटैच रहते हैं। 11th एंड 12th वाले रिब जो है वो नीचे से पूरे फ्लोटिंग रहते हैं। तो जब भी बच्चे का साइज बढ़ता है तो यूट्रस का भी साइज बढ़ता है और एब्डोमिनल ऑर्गन्स पूरे पुश हो जाते हैं, डायफ्राम पुश होता है। डायफ्राम यानी क्या, अपने एब्डोमिन में, पेट में और जो चेस्ट में जो ऑर्गन्स है उसको वो एक पर्दा रहता है जो डिफ्रेंशिएट करता है। जब भी अभी आपके पेट में यूट्रस का साइज बढ़ेगा, बच्चे का साइज बढ़ेगा, तो वो सभी ऑर्गन्स को पुश करेगा, डायफ्राम को भी पुश करेगा यूट्रस और बेबी, और उसकी वजह से ये जो नीचे के दो फ्लोटिंग रिब्स है उसके टिप को टच हो जाते हैं सभी ऑर्गन्स, वो जो एक्सपांडेड यूट्रस है, पुश्ड ऑर्गन है, वो टच होते हैं और उसकी वजह से आपको यहाँ पे ब्रेस्ट के नीचे पेन होता है। मेनली वो राइट साइड में ज़्यादा होता है, क्योंकि राइट में लीवर रहता है, तो राइट में जगह बहुत ज़्यादा कम रहती, तो पेशेंट जैसे उनको 6वां 7वां महीना स्टार्ट हो जाता है तो पेशेंट बोलते हैं कि ब्रेस्ट के नीचे ये रिब्स में पेशेंट को पेन हो रहा है। तो ये बहुत ही नॉर्मल फिजियोलॉजी है, आपके बच्चे का और आपके यूट्रस का साइज बढ़ रहा है तो उसकी वजह से वो डायफ्राम और रिब्स पुश हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको पेन होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, बहुत ही सिंपल टिप्स है। मानो आप उसमें हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं, हॉट वाटर बैग यूज कर सकते हैं, या फिर आप शॉवर बाथ ले लो अच्छे से गर्म पानी का, आप जो अपना रेगुलर हेयर ऑयल वगैरह है उससे मसाज करो, एनाल्जेसिक जेल यूज करो, वॉलिनी जेल वगैरह। दूसरा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा टाइट फिटिंग के ब्रा नहीं यूज़ करना है, आपको प्रॉपर लूज कंफर्टेबल मैटरनिटी ब्रा यूज़ करने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको साथ में एसिडिटी और गैसेस अगर बहुत ज़्यादा बन रहे तो आप ज़्यादा एसिडिटी वाला खाना अवॉइड करो, और आपके उसके साथ में आप उसके मेडिसिन भी यूज़ करते जाओ। साथ में आपको जो पोजिशन है वो करेक्ट करना है, आपका पोस्चर करेक्ट करना है। पोस्चर यानी आप जब भी लाइंग डाउन पोजिशन में रहते हैं तो वो ऑर्गन्स ज़्यादा रिब्स को पुश करेंगे, ज़्यादा डायफ्राम को पुश करेंगे, तो आपको पेन ज्यादा होगा। तो सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर मेनली आप थोड़ा प्रॉप्ड अप पोजीशन लेंगे, प्रॉप्ड अप यानी आप सोते वक्त अगर रेगुलर एक कुशन यूज कर रहे हैं तो दो कुशन यूज करो, ताकि आप थोड़े से रिक्लाइन यानी सीधा सोएंगे, आपका नेक और चेस्ट थोड़ा उठ के रहेगा, तो उसकी वजह से आपके डायफ्राम और रिब पे ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, आपको पेन इतना ज्यादा नहीं होगा। और इसके लिए कुछ कुछ एक्सरसाइज भी है, वो भी आपको थोड़ा हेल्प करेंगी, तो वो एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला एक्सरसाइज रहेगा कि रिब ग्लाइडिंग बोलते हैं हम लोग, कि आप पूरा हाथ सीधा करके रूफ को टच करें जैसे आपको पोजीशन लेना है, और पूरा हाथ को ऐसे रूफ को प्रेस करे करे जैसे आपको स्ट्रेच करना है, सेम अपोजिट। तो ऐसा आप 30 सेकंड के लिए स्ट्रेच करते जाओ, तो उसकी वजह से आपके ये जो पेक्टोरलिस मसल है वो स्ट्रेंथ आएंगे उसमें और आपका रिब पेन कम हो जाएगा। सेकंड इसको मरमेड स्ट्रेचेस बोलते हैं हम लोग, तो आपको पूरा ऐसे बेंड होके पूरा आर्म अंडर आर्म पूरा स्ट्रेच करना है अपोजिट साइड में 30 सेकंड के लिए, सेम आप अपोजिट साइड में रिपीट करेंगे। और तीसरा एक्सरसाइज आर्म ओपनिंग बोलते हैं हम लोग, कि आपको सीधा सोना है एक साइड में होके, और एक साइड में होके आर्म को अपोजिट साइड में आपको रोटेट करना है। आपको ये एक्सरसाइज अगर आपने गूगल करा तो उसमें भी मिल जाएंगे। तो ये हमारे बेसिक टिप्स है कि आप खाने का ध्यान रखो, आप पोस्चर करेक्ट करो, आप लूज फिटिंग ब्रा यूज करो, आप थोड़ा ऑयल से मसाज करो, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ताकि आपका ये रिब पेन कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपने ये आज का वीडियो है कि प्रेगनेंसी में ये रिब्स पेन यानी पेन बिलो द ब्रेस्ट ये क्यों होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।